एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं प्रेगनेंसी के दौरान कंज्यूम करने वाले कुछ बेस्ट जूस के बारे में आपको बताने वाली हूं। इनमें से कोई भी या बदल बदल कर आप अपनी प्रेगनेंसी में हर दिन जरूर इस्तेमाल करें और ये इतने आसान है कि आप कर भी सकती हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि हमारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के बेस्ट जूसेस कौन कौन से हैं। नंबर वन है एप्पल जूस। एप्पल को प्रेगनेंसी में चाहे खाया जाए चाहे उसका जूस लिया जाए। गर्भस्थ शिशु पे इसका बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। एक तो गर्भवती स्त्री के हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा, अभी इम्यूनिटी का बहुत रोल है, पेंडेमिक का समय है तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने और लंग्स रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं जन्म के बाद शिशु में जो आ सकते हैं उनसे बचाने में बहुत कारगर है, ऐसे स्टडीज कहती हैं। तो प्रेगनेंसी में डेली एक एप्पल आपको लेना ही चाहिए। कभी कभी होता है कि हम उसको खा नहीं पाए तो हम उसकी स्मूदी या उसका जूस बना के ले सकते हैं। दूसरा जूस है कैरेट का जूस, गाजर का जूस। गाजर के जूस में थोड़ा सा चुकंदर, बीट रूट हम ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा गैस नहीं बनता तो बीट रूट कैरेट के साथ आप ले सकते हैं। तो ये क्या फायदा करता है, इसमें प्रचुर मात्रा में फॉलिक एसिड होता है, विटामिन ए पाया जाता है जो बच्चों की आंखों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नंबर थ्री जो जूस है वो है पोमग्रेनेट, अनार का जूस। तो अनार का जूस से क्या लाभ होगा, अनार का जूस जब आप लेंगे तो आपको खून की कमी नहीं रहेगी। तो खून की कमी को दूर करने के लिए प्रेगनेंसी में अनार खाना बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, तो पोषक तत्वों का भंडार है अनार। आप इसको प्रेगनेंसी में जरूर खाएं। अगला जूस है ऑरेंज का या मौसमी का जूस। सिट्रस जूस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि सिट्रस जूस विटामिन सी से भरपूर होते हैं। बच्चे की स्किन को अच्छा, कोमल, खूबसूरत बनाने के लिए सिट्रस जूस बहुत ही फायदेमंद है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही शरीर में अगर खून की कमी है तो सिट्रस जूस जो है शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं जिससे कि आपके बॉडी के अंदर आयरन, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ सकती है। तो आप मौसमी का भी जूस ले सकते हैं और ऑरेंज का भी जूस ले सकते हैं, लेकिन मात्रा बहुत जरूरी है, मात्रा को जानना। केवल एक ग्लास जिसमें कि 200 ml के लगभग जूस आपको एक दिन में कंज्यूम करना है। इससे ज्यादा सिट्रस जूस आपको एसिडिटी दे सकते हैं, तो सिट्रस जूस जरूर यूज करें लेकिन मात्रा संयमित रखें। अगला है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर विटामिन B6, विटामिन सी, कई सारे मिनरल्स का भंडार है, खजाना है। ये हाइड्रेटेड रखने के साथ ही गर्भस्थ शिशु की हड्डियों के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कोकोनट वाटर आप लें, लेकिन कोशिश करें बहुत टेंडर, बहुत कच्चा सा कोकोनट का वाटर लें क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में अगर आप ले रही हैं तो ज्यादा जो मिठास वाला कोकोनट वाटर होता है वो एसिडिटी कर सकता है। बिल्कुल टेंडर कोकोनट का वाटर आप यूज करा करें और सुबह के समय जब आप करते हैं तो आपका पेट बहुत शांत रहता है पूरे दिन के लिए। अगला जूस है शुगर केन जूस, गन्ने का रस। प्रेगनेंसी में गन्ने का रस लिया जा सकता है तब जब आपको अगर पहले से PCOD या शुगर की प्रॉब्लम नहीं है या फिर आपको गर्भावस्था के दौरान मधुमेह यानी कि डायबिटीज के सिम्टम्स नहीं आ रहे हों तो, क्योंकि गन्ने के रस के अंदर विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B5, B6, विटामिन सी, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो प्रेगनेंसी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होते हैं। तो अपनी सेहत और अपने कंडीशन जो है आपकी प्रेगनेंसी में उसको ध्यान रखते हुए आप शुगर केन जूस ले सकते हैं। ये खून को भी साफ करता है। तो जब आप शुगर केन जूस लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपना चेहरा काफी ग्लोइंग नजर आने लगेगा। अगला जूस है नींबू पानी, लेमन वाटर। बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान और कभी भी पिया जाने वाला। नींबू पानी आपके पेट को अच्छा रखता है। आपको अगर वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको नींबू पानी लेने से आराम मिलता है। साथ ही इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है तो आपको फ्रिक्वेंटली कोल्ड एंड कफ की जो प्रॉब्लम है वो नींबू पानी लेने से नहीं होगी। लेकिन कई लोगों को नींबू से एलर्जी हो सकती है, तो अगर आपको सिट्रस चीजों से एलर्जी है जैसे कि नींबू वगैरह तो आप इससे बचें। आप इसके दूसरे ऑप्शंस जैसे कि आप ऑरेंज ले सकते हैं अगर उससे भी आपको एलर्जी ना हो, या फिर आप अनार ले सकते हैं। अब बात आती है एहतियात की कि जूस तो हमें पीना चाहिए लेकिन सावधानियां क्या रखनी है। सबसे पहली सावधानी है कि आपको जूस जो पीना है घर का बना पीना है, बाहर का जूस आपको नहीं पीना है। घर का बना जूस जो फल 12 घंटे से ज्यादा रखे हुए ना हो, चाहे वो फ्रिज में या बाहर, 12 घंटे के अंदर अंदर ही कटे फल का रस आपको बनाना है। जो एक दूसरी बहुत बारीक सी बात है कि जूस की हम बात करते हैं लेकिन फ्रूट के फाइबर्स को हम फेंक देते हैं,
तो ऐसा मत आप होने दीजिए, उसको आप ग्राइंड कर लीजिए ताकि फाइबर लॉस नहीं हो, क्योंकि फाइबर जो होता है फ्रूट्स का वो आपके डाइजेशन को अच्छा करने में हेल्प करता है। तो कॉन्स्टिपेशन जो कि प्रेगनेंसी की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, उससे बचाने के लिए आपको फाइबर लेना है, तो क्यों ना फ्रूट का जब हम जूस निकालते हैं तो फाइबर लॉस नहीं होने दें, हम उसका फाइबर भी उसकी के अंदर रखें और कंप्लीट एज ए होल उसको कंज्यूम करें। बाहर का कोई भी फ्रूट जूस हो, चाहे वो आपके सामने ही क्यों ना निकाला गया हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि वहां पे हाइजीन कैसा है और आपकी नजर से बचा के कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर दिया जाता है, या फिर अच्छे से वो वॉश नहीं होते हैं, या फिर हैंड्स इतने साफ नहीं होते हैं। तो आपको जूस बाहर का बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क है कंटेमिनेशन का, आपको इन्फेक्शन का, जो कि ये रिस्क आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जूस का आनंद लीजिए लेकिन एहतियात के साथ में। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो इसी तरह बने रहिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।